आगरा के एदमातुर थाना क्षेत्र के कोयरपुर के पास फ्लाईओवर पर कल देर साय को थाना एदमातुर पुलिस को सूचना दी गई कि एक सेल्समैन से 1,39,000 रुपए की लूट हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर इलाकाई पुलिस सीओ व एसपी सत्यजीत गुप्ता मौके पर पहुंच गए। जब सेल्समैन से कड़ाई से पूछताछ की गई तो मामला उल्टा निकला। सेल्समैन ने कर्जे के चलते इस घटना को अंजाम दिया। 1,39,000 रुपए की झूठी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद जब पुलिस ने जांच तेज की तो सेल्समैन से 64,500 रुपए बरामद कर लिए। वहीं बताया गया कि लूट का मोबाइल भी एक नाली से बरामद कर लिया गया है। उनके व्यक्ति ने लगभग 4:30 बजे एतमादपुर थाने पे ये सूचना दी कि वो एक कंपनी में, तेल की कंपनी में सेल्समैन का काम करता है, कलेक्शन एजेंट का काम करता है। कल एतमादपुर और खंदौली थाना क्षेत्र में जब वो कलेक्शन करके वापस लौट रहा था, सुबह 11 बजे निकला था वो, उस समय एक अपाचे पे दो लोग आए और उन्होंने उससे लूट कर ली। उसने 1,39,000 लूट का अमाउंट बताया था। उसके बाद तुरंत SHO एतमादपुर, एतमादपुर की फोर्स, CO और SOG टीम सभी लोग मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद सभी जगह जहां जहां से कलेक्शन हुआ था वहां की CCTV फुटेज निकालनी शुरू की। और जब गहनता से पूछताछ की गई तो ये संज्ञान में आया कि उसने झूठी लूट की घटना रची थी, क्योंकि उस पर पहले कुछ कर्जा था, उससे बचने के लिए उसने ये लूट की घटना दिखाई। ये लूट की घटना पूर्णतः फर्जी निकली और जो लूट का उसने पैसा बताया था वो उसी के एक दूसरे बाइक से मिल गया है। और टोटल कलेक्शन 64,500 रुपये हुआ था, पूरे का पूरा पैसा बरामद हो गया। और जो मोबाइल इसने कहा था कि लुटेरों ने उससे छीन के फेंक दिया, वो भी जहाँ इसने नाले में फेंका था वहाँ से बरामद हो गया। अब फर्जी लूट की घटना लिखवाने के लिए इसके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लूट का जितना भी मोबाइल और पैसा और बाकी सारी चीज़ें वो बरामद हो गई हैं। वहीं आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह ने बताया है कि अब सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थाना एतमादपुर में एक लूट की सूचना जो कि अब फर्जी निकली है। कल देर शाम को थाना एतमादपुर में एक लूट की सूचना दी गई थी जो कि अब फर्जी है। आगरा कमिश्नर प्रतिंदर सिंह ने बताया है कि जो सेल्समैन था उसने ही इस घटना को अंजाम दिया था। कुल रुपए 64,500 रुपए थे, उसने 1,39,000 रुपए बताए हैं। वहीं उसने बताया था कि उसका मोबाइल भी अज्ञात बाइक सवार बदमाश लूट ले गए हैं, लेकिन ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। कड़ी जांच की गई तो उसमें ये तथ्य सामने निकल कर के आए कि जो सेल्समैन था वही इस घटना को अंजाम दे चुका था। वहीं आगरा कमिश्नर प्रतिंदर सिंह का कहना है कि इसमें कार्रवाई की जा रही है। मोहित सुसंदिया, मून टीवी, आगरा।